नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि ऐसी महिलाएं घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, चाणक्य भी कहते हैं कि ऐसी महिलाएं जिन घर में चली जाएं तो वह घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानते हैं चाणक्य द्वारा ऐसी महिलाएं कौन सी होती हैं जो घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं? जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों आपको रोजाना ही ऐसे ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक पर चाणक्य जी कहते हैं कि जो महिलाएं अपने पति के खिलाफ चलें, अपने पति की कोई भी बात ना माने, अपनी मनमर्जी करें, तो ऐसी महिलाएं घर के लिए होती हैं खराब। ऐसी महिलाएं घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी कहा जाता है कि जो महिला अपने पति की बात नहीं मानती, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, अपने परिवार को ठेस पहुंचाती है, तो समझ लीजिए कि वह महिला घर के लिए है खराब और वह महिला घर को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगी हुई है और वह महिला घर को जल्द ही बर्बाद कर डालती है। नंबर दो पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो महिला घर को छोड़ के बाहर रहती हो, यानी कि जो महिला घर के छोड़कर सभी काम काज दूसरे के घरों में चली जाए, तो समझ लीजिए कि वह महिला घर के लिए है खराब और वह महिला अपने परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने में तुली हुई होती है। ऐसी महिला घर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है और ऐसी महिलाओं के कारण ही घर के पति भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी महिला से शादी करने से बचें। नंबर तीन पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो महिला गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, यानी कि अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ रहती है, तो समझ लीजिए कि ऐसी महिला घर को पूरी तरह से बर्बाद कर डालती है। वह घर का पैसा उस गैर मर्द को देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका पति धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं के कारण ही पति सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसी महिला घर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है और ऐसी महिला घर को धीरे धीरे बर्बाद कर डालती है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं के ऊपर माता लक्ष्मी जी भी अपने वास नहीं बनाती, जिसकी वजह से उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, यह तो थी वह महिलाएं जिनकी वजह से घर को होती है हानि। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिन घर में चली जाएं, तो समझ लीजिए कि वह घर पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।